हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट 02। हमारे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बकरियों में लगने वाले एक प्रमुख रोग को लेकर आए हैं जो बहुत ही घातक, बहुत ही खतरनाक रोग होता है। इसके पहले मैंने आपको मुर्गियों में लगने वाले फॉल पॉक्स के बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद आज हम आपको बकरियों में लगने वाले एक विशेष रोग को लेकर आए हैं जिसको कहा जाता है गोट प्लेग। इसको शॉर्ट में PPR भी बोलते हैं। ये बहुत ही संक्रामक रोग होता है। ये बहुत ही छुआछूत का रोग होता है और इसके प्रभाव में लगभग 50-90% पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 जानवरों में, 100 बकरियों में या 100 भेड़ों में अगर ये रोग लग रहा है, PPR रोग अगर 100 भेड़ों या 100 बकरियों में लग रहा है, तो उनमें 50-90% बकरियों की मृत्यु तय होती है। आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रोग कितना घातक और कितना खतरनाक होता है। हम इस रोग के बारे में आपको, इसका कारण क्या होता है, किसके द्वारा ये रोग लगता है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, फिर इसके अलावा इसका हम इलाज किस तरह से कर सकते हैं, और फिर लास्ट में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी हर वीडियो में कुछ न कुछ उचित देसी उपचार के बारे में बताया जाता है, तो आपको सबसे अंत में देसी उपचार बताएंगे कि ऐसी जगह जहां पर दवाएं अवेलेबल नहीं होती, जहां पर उचित चिकित्सक प्रणाली उपलब्ध नहीं होती, जहां पर चिकित्सक आसानी से नहीं मिल पाते, वहां पर हम अपनी बकरियों को ऐसे मरने के लिए छोड़ तो नहीं सकते ना, तो इसके लिए कुछ न कुछ देसी उपचार हम कर सकते हैं जो कि हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलते हैं इस डिजीज़ की तरफ। तो फ्रेंड, डिजीज़ का नाम है गोट प्लेग, यानी कि PPR। इसको, इसका पूरा नाम होता है पेस्ट डेस पेस्टिस रूमिनेंट्स। इसका कारण, अब हम इसके कारण की बात करते हैं कि ये किसके वजह से होता है। तो फ्रेंड, हर रोग के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कोई बैक्टीरिया के द्वारा होता है, कोई वायरस के द्वारा होता है, कोई कवक के द्वारा होता है। तो ये जो हमारा PPR रोग है, बकरी और भेड़ों का PPR रोग है, ये एक वायरस के माध्यम से होता है, जिस वायरस का नाम है मॉरबिली वायरस। बकरियों का PPR रोग मॉरबिली वायरस के द्वारा होता है। अब हम आगे देखते हैं, ये रोग फैलता कैसे है। फ्रेंड, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे फार्म पर बहुत सारी बकरियां होती हैं, हमारे बाड़े में बहुत सारी बकरियां होती हैं, ये संक्रमित बकरियों से अन्य स्वस्थ बकरियों तक ये रोग ट्रांसमिट होता है। यानी कि ऐसी बकरी जो इस रोग से संक्रमित है, वो दूसरी स्वस्थ बकरियों को भी इस रोग से संक्रमित कर सकती है। इसके लिए फ्रेंड, जैसे बकरियों की लार हो गई, उनके नाक और आँख से निकलने वाले स्रावित द्रव हो गए, इन सब के संपर्क में आने से स्वस्थ बकरियां, स्वस्थ भेड़े भी संक्रमित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण की, कि PPR रोग में भेड़ और बकरियों के अंदर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, जिनके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि हमारे बकरियों को PPR रोग हुआ है, हमारे भेड़ों को PPR रोग हुआ है। तो इसका पहला लक्षण होता है कि बकरी और भेड़ों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं और उनके होंठ सूज जाते हैं। अगला लक्षण होता है कि उनके खांसी बहुत ज़्यादा आती है, और सांस लेने में घरघराहट होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तीसरा लक्षण ये होता है कि बकरी और भेड़ों में खूनी दस्त लग जाते हैं, यानी कि उनमें दस्त अधिक होते हैं, जो कि खून और आव के साथ लगातार दस्त होते हैं। इसका अगला लक्षण होता है कि बकरी और भेड़ों के नाक और मुंह से कुछ द्रव स्रावित होते हैं, कुछ द्रव लार की तरह कुछ द्रव स्रावित होते हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी गोट को PPR रोग हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके, इस रोग की अवधि क्या होती है, यानी कि इसका जो इनक्यूबेशन टाइम होता है, ये रोग कितने दिन में असर करता है। तो जब इस रोग के वायरस हमारे पशुओं को लगते हैं, तो उसके 5-6 दिन बाद इस रोग के पूरे लक्षण पूरी तरीके से पशुओं के ऊपर दिखाई देने लगते हैं, तथा 7-8 दिन के बाद हमारा पशु मर जाता है, जिसके वजह से कृषक को और
डेयरी फार्म वालों को बहुत अधिक हानि होती है। अब हम चलते हैं इसके उपचार की तरफ, इसके रोकथाम की तरफ, हम इस रोग को रोकेंगे कैसे। तो इस रोग, देखिए फ्रेंड, इंग्लिश में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रोकथाम इलाज से बेहतर होता है। तो हम पहले देखते हैं इसका रोकथाम क्या है। जब हम कभी कोई नया पशु अपने फार्म पर लेकर आएं या अपने बकरियों के बीच में लेकर आएं, तो उसको हम 21 दिन तक आइसोलेट करें, उसको हम 21 दिन तक अलग रखें, ठीक। अगला रोकथाम हमारा होता है टीकाकरण करवाना, वैक्सीनेशन करवाना। देखिए वैक्सीनेशन क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक टीकाकरण होता है, दूसरा इलाज। टीकाकरण वो होता है कि जब हम किसी रोग को लगने से पहले दवाओं का प्रयोग करते हैं कि रोग ना लगे, तो उसको हम टीकाकरण कहते हैं। जैसे आजकल हमें कोविड की वैक्सीन दी जा रही है, टीकाकरण किया जा रहा है, तो कोविड होने से पहले, कोविड से बचने के लिए हमें टीका दिया जा रहा है कि हमें कोविड हो ही ना। तो जब रोग लगने से पहले दवाओं का हम प्रयोग करते हैं तो उसे टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहते हैं, और जब रोग लग जाने के बाद हम दवाओं का प्रयोग करते हैं तो उसे इलाज कहा जाता है। अब हम इसके इलाज को देखते हैं कि इलाज क्या होता है। तो इसके इलाज अलग अलग लक्षण के आधार पर अलग अलग होते हैं। जैसे इस रोग के प्रभावित, इस रोग से प्रभावित बकरियों को 105 से 107 डिग्री फारेनहाइट तक तेज बुखार आता है, और खूनी दस्त लग जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, और उनकी ग्रस नली जो होती है जिससे चारा अंदर जाता है, इसमें सूजन आ जाती है और दिक्कत होती है। तो इसके लिए हम अलग अलग लक्षण के लिए, अलग अलग लक्षण के लिए अलग अलग दवाओं का प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें पहला हमारा आता है कि जो हमारे बकरियों के मुँह में छाले, जो हमारे बकरियों के मुँह में छाले लग गए हैं, उसको कम करने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए पोटेशियम पर मैग्नेट की 0.1% की मात्रा तथा फिटकरी के घोल से उन घावों को धुलेंगे तथा बोरोग्लेक्सिन उनके छालों पर लगाएंगे। अगला हमारा जो है वो है आहार नाल संक्रमण से कैसे बचेंगे। टेट्रासाइक्लिन बोलस एक दवा आती है जिसके प्रयोग से हम उनके आहार नाल को रिकवर कर सकते। अगली दवा हमारी आती है एमेक्सिसिलिन बोलस, इन दवाओं का प्रयोग करके हम ग्रस नली को रिकवर कर सकते हैं जो प्रभावित हो जाती है। अब अगला हम देखते हैं कि बुखार के लिए, तो बुखार के लिए फ्रेंड कोई भी अच्छी एंटीबायोटिक, जो हमारे एरिया में अच्छी एंटीबायोटिक मानी जाती हो, अवेलेबल हो, उसका हम प्रयोग बुखार के लिए कर सकते हैं। अगला हमारा आता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रयोग। अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसके प्रभाव से बकरियों की चारा की नली जो होती है ये प्रभावित हो जाती है, तो वो चारे नहीं खा पाते तो कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसके लिए हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को भी देते हैं। फिर अगला हम देखते हैं दस्त के लिए, इस रोग में दस्त भी लग जाते हैं, खूनी दस्त होते हैं, तो उसके लिए हम सल्फा डेमिथोजिन तथा सल्फा मेथाजिन का प्रयोग करेंगे। ये दोनों दवा एक ही होती है, नाम अलग अलग होता है, ठीक। अब देखते हैं हम देसी उपचार, सबसे आखिरी कड़ी में हमारा आता है देसी उपचार। अब देखते हैं हम देसी उपचार, देसी उपचार में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम अपने बाड़े को पूर्ण रूप से साफ सफाई करेंगे, उनमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होने देंगे। फिर उसके अलावा हम उनके छालों को फिटकरी के घोल से धुलेंगे तथा उन पर नीम के पत्ती और छाल के पाउडर, हम आधी मात्रा हल्दी के साथ, जैसे हम लोग 10 ग्राम नीम की पत्ती का पाउडर लेते हैं तो उनमें 5 ग्राम हल्दी का पाउडर, यानी कि नीम के पत्ती की आधी मात्रा में हल्दी का पाउडर मिला करके हम उनको छालों पर लगाएंगे। फिर इसके अलावा दस्त के लिए हम मेथी दे सकते हैं, खड़ी मेथी के दाने को अपनी बकरियों को दे सकते हैं, और इसके अलावा जो उनके बुखार वगैरह होते हैं उनके लिए तूतिया का घोल। अगर देसी उपचार आपको डिटेल से जानना है तो हमारी वीडियो खुर पका मुँह पका रोग में इस चीज़ के देसी उपचार के बारे में बताया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप उससे देख सकते हैं। और एक हमारा देसी उपचार आता, गुड़ लहसुन हल्दी का एक पेस्ट बना लेंगे और उनको हम बकरियों के मुंह में जो छाले लगे हैं उन
उन पर लगाएंगे, बकरियों के मुंह में जो छाले दिखाई दे रहे हैं उन पर लगाएंगे। क्योंकि फ्रेंड जो लहसुन होता है ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ का होता है, ये प्रतिजैविक कैरेक्टर का होता है, तो इससे हमारी बकरियों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और फ्रेंड अगली वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होनी चाहिए इस चीज़ को भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।